हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। मेरा अब्बा, मेरा फादर, स्वर्गीय के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु मसीह। एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, आपकी संगति में आते हैं, क्योंकि आपने, हाँ आपने एक और सुंदर शाम हमें दिखाए हैं, सुंदर संध्या काल हमें दिखाए हैं, आनंद में रात्रि हमें दिए हैं। स्तुति हो पिता, पूरे दिन आप संभाले, आप ख्याल रखिए, देखभाल किए, देख रेख किए, और हाँ और पूरे रात्रि आप ही देख रेख करेंगे। स्तुति हो पिता, सदा सर्वदा के लिए आप हमारा खुदा हैं, आप हमारा प्रभु हैं, आप हमारा रखवाली करने वाला, आप हमारा देखभाल करने वाला, देख रेख करने वाला ईश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, अभी तक आप अपने पन्नाह में, अपने छत्र छाया में हमें रखे हैं प्रभु। अभी तक आप अपना अनुग्रह, दया, कृपा प्रभु तक करुणा हमारे ऊपर बनाए रखे हैं। अभी तक प्रभु जी आपकी दया की दृष्टि हमारे ऊपर है। हे प्रभु, सादा बनी रहे इसके लिए प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटना टेके हैं, नर्म दिन होकर आपके आगे, हाँ आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं। सच्चाई से प्रभु जी आपके दिए हुए आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में आपको आवाज़ देते हैं, आपको पुकारते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से आप बचे रहेंगे जब तक प्रभु के पन्नाह में रहेंगे। हाँ आप पे जब तक प्रभु के छत्र छाया में रहेंगे, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ज्योति में, कृपा में चलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, 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 आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा, तारीफ हो खुदा, बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर। स्तुति हो पिता, आज के शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वो सब के सब प्रभु अपने जीवन में आपके काम को देखें, आपके अनुग्रह महिमा को देखें, आपके आशीष को पाए, आपके शांति को पाए, आपके सुख चैन को पाए। प्रभु जी एक एक के ओठों को हंसी से भर दीजिए, अनुग्रह कर एक एक को हंसमुख बनाइए। हाँ प्रभु जी, आज के रात्रि के इस प्रार्थना में प्रभु जितने जन प्रभु जी शामिल हुए हैं उन सबों को प्रभु जी, हाँ उन सबों को हंसमुख बनाइए। किसी के मुख पर उदासी रहने ना पाए, किसी के जीवन में निराशा रहने ना पाए, कोई दुख दर्द में रहने ना पाए, पीड़ा में प्रभु, शैतान के हाथ में, समस्या, उलझन, कलेश में, विपत्तियों में प्रभु जी रहने ना पाए। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर खुदा। धन्यवाद देते, आइए मेरे प्रियो प्रभु के वचन को देखेंगे, देखेंगे आयुब की पुस्तक 8 अध्याय के उसका 21 पद। ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, वह तो तुझे हंसमुख करेगा। क्या लिखा है? वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ये वचन, हाँ ये वचन सब लोगों के लिए तो है ये है, पर विशेष उन लोगों के लिए है, उन जनों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो कि दुख में, दर्द में, पीड़ा में, विपत्तियों में, समस्या, उलझन, कलेश, परेशानी में, परीक्षा में, संकट में,
हाँ, गरीबी घटी शकेती में, रोग बीमारी में रहते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई करते, प्रभु में बने रहते, प्रभु से लिपटे रहते हैं, प्रभु के मार्गों पर चलते रहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबों को प्रभु तो हंसमुख करेगा ही, लेकिन विशेष उन लोगों को ज़्यादा हंसमुख करेगा, उन लोगों से ज़्यादा जय जयकार कराएगा, ज़्यादा आनंद खुशी या हर्ष उमंग देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आयुब, हाँ आयुब एक व्यक्ति का नाम है, एक इंसान का नाम है, ऐसा इंसान का, ऐसा व्यक्ति का जो कि परमेश्वर के बहुत करीब था, परमेश्वर के भय में चल करके प्रभु के, हाँ परमेश्वर के बहुत नज़दीक था, पास था, निकट समीप था। क्या होता है आयुब के साथ, क्या होता है आयुब एक बहुत ही बड़ी भयानक खतरनाक जानलेवा परीक्षा में पड़ता है। वैसा परीक्षा मेरे प्रियो किसी के जीवन में नहीं आया होगा और नहीं कभी आएगा। प्रभु यीशु मसीह सिखाया है, जब भी तुम प्रार्थना करो तो बोलो कि हे परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला। जो कोई बोलेगा परीक्षा में नहीं आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आयुब के जीवन में जैसा परीक्षा आया था वैसा परीक्षा किसी के जीवन में नहीं आया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल को पढ़ेंगे, किसी के जीवन में नहीं आया है। आयुब का सब कुछ खत्म हो गया, बेटा बेटी धन संपत्ति दास दासियाँ, उसके पास जितने भी धन था माल था सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ वो और उसकी पत्नी रह गए थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर भी आयुब परमेश्वर का धन्यवाद करते रहा, परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान करते रहा, प्रभु के भय में चलते रहा, प्रभु के आज्ञा का पालन करते रहा, प्रभु के विधि नियमों को मानते रहा, जीने का कोई चांस नहीं था। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसकी पत्नी बोली, उसकी वाइफ बोली, अब तो तू मर जाएगा, अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को वो डांटा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लिखा है फिर भी परमेश्वर के प्रेम में बना रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके लिए ये आशीष वचन लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर फिर से तुझे हंसमुख करेगा, तेरे ओठ को हंसी से भरेगा और तुझे से जय जयकार कराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, समस्या दिक्कत परेशानी तकलीफ आता रहता है, लेकिन अगर हम, हाँ अगर हम उसमें भी प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, तो वो समस्या वो तकलीफ है वो परेशानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगा, हमें चोट नहीं पहुँचाएगा, चोट नहीं देगा। अगर दे भी देता है तो मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि उस चोट को प्रभु ठीक करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आयुब का सब कुछ खत्म हो गया, क्या फिर से आयुब को सब कुछ नहीं मिला? उसका जो कुछ भी परीक्षा में खत्म हुआ था, नष्ट हुआ था, बर्बाद हुआ था, नुकसान हुआ था, फिर से मिला, लिखा है दो गुना मिला। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु में अड़े और खड़े रहते हैं, प्रभु दो गुना आपको ब्लेस करेगा। सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में डाले गए, आग में जाने से पहले, हाँ आग के भट्टी में जाने से पहले नबूकदनेस्सर राजा बोला था, मेरे आग के भट्टी से कौन तुझे बचा सकता है, कौन तुझे बचा सकता है? सदरक मेशक अबेदनगो बोले कि हे राजा, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर तेरे आग के भट्टी से
हमें बचाने का ताकत सामर्थ रखता है, और अगर वो न भी बचाए तो हे राजा तू जान ले कि हम तेरे खड़ी कराई हुई सोने के मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा ही विश्वास परमेश्वर हर एक के अंदर देखना चाहता है। आयुब भी ऐसा ही बोला। हाँ ऐसा ही बोला। उसकी पत्नी बोली अब तो तू परमेश्वर को छोड़ दे, निंदा कर। आयुब बोला तू मूर्ख है, हाँ मूर्ख स्त्री सी बातें करती हैं। क्या मैं ऐसा करती हैं जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लिए हैं क्या दुख ना लें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आयुब मर जाता लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करता, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी प्रेम को देख करके, विश्वास को देख करके परमेश्वर उसको ब्लेस किए, फिर से चंगाई दे करके जीवित रखे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, शैतान हार गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसमें बने रहना है, परमेश्वर से लिपटे रहना है, चाहे कितनों भी बड़ी विपत्ति आ जाए, समस्या आए, उलझन कलेश रोग बीमारी आ जाए, अंधकार हमें घेर ले, शत्रु शैतान हमें घेर ले, कितनों भी बड़ी संकट में कलेश में परीक्षा में हम पड़ जाए, क्या करना है? प्रभु से लिपटे रहना है, उसमें से प्रभु हमें बाहर करेगा। जैसे आयुब को आयुब के परीक्षा में से बाहर किया, हालेलुया, उसके जीवन में जो परीक्षा आया था उस परीक्षा में से आयुब को बाहर किया, वैसे ही प्रभु हमें भी बाहर करेगा। जैसे आयुब को फिर से हासमुख बनाया, उससे जय जयकार कराया, वैसे ही प्रभु हमें भी हासमुख बनाएगा और हमसे जय जयकार कराएगा, आनंद हमारे जीवन में भरेगा और हम उसके नाम की जय जयकार करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। लॉर्ड यीशु, घबराना नहीं है मेरे प्रियो, चिंता नहीं करना है। दुख आया है दूर हो जाएगा, समस्या आया है हल निकलेगा, समाधान होगा उसका। शोक विलाप में है, आपका शोक विलाप नृत्य में बदल जाएगा। प्रभु में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, उस पर भरोसा रखिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, 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 आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। तारीफ हो लॉर्ड यीशु, सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी, सारे दुखों से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, दर्द पीड़ा, हाँ दर्द पीड़ा से प्रभु जी, समस्या उलझन कलेश से प्रभु, एक एक को, हाँ एक एक को स्वतंत्र कीजिए, आज़ाद कीजिए, मुक्त कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं आज की प्रार्थना को प्रभु, आज के शाम के वचन को, जितने जन जितने लोग रिसीव किए हैं प्रभु, सुने हैं, उन सबों के जीवन में चमत्कार होने पाए, आपका काम होने पाए। सहायता कीजिए लॉर्ड यीशु, सबके सब दुखों से प्रभु, दर्द पीड़ा से प्रभु छुटकारा पाने पाए, सबों का दुख आनंद में सुख में बदल जाए। सहायता कीजिए प्रभु, सबों के जीवन में शांति आ जाए। सहायता कीजिए जिस समस्या में उलझन कलेश में भाई बहन फंसे उसमें से बाहर निकालिए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड यीशु। मेरे प्रिय, आप समस्या में उलझन में कलेश में प्रार्थना करते, वचन पढ़ते, उपवास रहते, फिर भी आप दुख में हैं। हालेलुया, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर है। क्या लिखा है? विशेष आपके ऊपर है। प्रभु का ध्यान सबों के ऊपर आता है लेकिन विशेष ज़्यादा आपके ऊपर है। वो तुरंत ही आपको क्या करेगा? उसमें से बाहर निकाल करके आपके ओठों को हंसी से भरेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो कुछ भी बर्बाद हुआ है फिर से देगा, नुकसान हुआ है ठीक करेगा, चोट लगा है ठीक करेगा, फिर से आपको ब्लेस करेगा, आप इसे जयकार करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं लॉर्ड यीशु, धन्यवाद करते हैं। पूरे दिन संभालने वाले प्रभु, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए, किसी को प्रभु डरावना बुरा सपना न आने पाए, कोई प्रभु जी
रात के अंधेरों से ना डरे, किसी को शैतान दुष्ट करुण मनोज ना छूने पाए, तंत्र मंत्र जादू टोना किसी के ऊपर सफल ना होके, सब प्रभु जी अपने बिछौने में निश्चित पूरे रात सोए, आपकी इच्छा एक और नहीं दिन को प्रकाश को देखे। धन्यवाद देते हैं स्वर्ग के पिता, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आप हमारी सुने, ग्रहण किए, उत्तर भी दिए, धन्यवाद देते हैं कमेंट के माध्यम से। हाँ, कमेंट के जरिए जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं उस पर दृष्टि कीजिए और उसका उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में सबों को दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल बना रहे। सब प्रभु जी आपकी महिमा करें, आपके नाम की जय जयकार करें, सब आनंद करें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी से दुख दर्द पीड़ा रोग बीमारी में ये भाई ये बहन है, इनके परिवार का कोई सदस्य है प्रभु जी, उस रोग बीमारी दुख दर्द पीड़ा से बाहर निकालिए। धन्यवाद यीशु, सारे कष्टों को खत्म कर, सारे शकेती को, संकट को, परीक्षा को खत्म कर दे, मुसीबत में से बाहर कर, समस्या उलझन कलेश में से बाहर निकाल। धन्यवाद यीशु, शकेती में से प्रभु, गरीबी घटी में से बाहर कर, सबों के जीवन के ऊपर तू प्रभुता कर, सबों की सुधि ले प्रभु, सब सेफ और सुरक्षित रहे और सब प्रकार की आशीष से सबों के जीवन में भरपूरी से बना रहे, हर एक तरह से प्रभु जी सबों की सहायता मदद गाइड कर, सब प्रभु जी आगे बढ़े, सबों की इच्छा लाल समूल कामना सपना मनोरथ पूरा होने पाए। धन्यवाद यीशु, सबके सब ऊंचा पद ऊंचा स्थान पाए, ऊंचे पर नियुक्त होके। धन्यवाद यीशु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। कल सुबह 4 बजे के प्रार्थना और वचन में जरूर शामिल होइए, प्रभु के काम को देखिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय है, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु देगा। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपका प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय प्रभु की हजूरी में रखकर प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु सब कुछ देगा, सब कुछ ठीक करेगा, प्रभु आपको संभालेगा, आप बीमार हैं प्रभु चंगा करेगा। प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ, संदेह मत कीजिएगा और उस पर भरोसा रखिएगा, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। थोड़ा धीरज धरिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।